आज हमारे साथ हैं आरजे नावेद, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। आज डिजिटल युग में रेडियो कैसे रेलिवेंट है? देखिए, रेलिवेंट रेडियो इस तरह है क्योंकि रेडियो अभी मैं मतलब मुझे 14 साल हो गए रेडियो करते करते। ये चैलेंज है कि सारा सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, लेकिन डिजिटल पे जो भी कुछ कर रहा हूँ मैं अभी, वो सब रेडियो का ही कर रहा हूँ। तो रेडियो ने जितना सिखाया मुझे, और रेडियो से मुझे एक बहुत खूबसूरती ये लगती है कि एक कनेक्शन सा है हर किसी का। तो वो रेडियो को लोग कहते हैं, रेडियो जो है वो माइंड का थिएटर है। तो कुछ लोग मिसाल के तौर पे जिन्होंने मुझे नहीं देखा, वो लोग एक इमेज बना लेते हैं कि लंबा चौड़ा इंसान होगा, स्मार्ट सा होगा, लेकिन निकलता ऐसा है। तो एक्सपेक्टेशंस हर इंसान की अलग अलग दिमाग में बन जाती है। बहुत ज़्यादा रिलेवेंट डिजिटल से इसलिए क्योंकि अब हम सब डिजिटल पे डालते हैं, पहले नहीं दिखते थे रेडियो जॉकी, अब हर वक्त दिखने लगे। यूट्यूब हमारा अपना चैनल है, फेसबुक अपना चैनल है। तो मुझे लगता है दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अगर आप रेडियो पे अच्छा काम कर रहे हैं तो डिजिटल पे जाने के लिए उसको कोई नहीं रोक सकता, बल्कि फ़ायदा होता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि हम एक ऐसे इवेंट में हैं जहाँ वीमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, तो रेडियो के थ्रू वीमेन एम्पावरमेंट में कैसे मदद? बहुत ज़्यादा। मुझे तो कभी कभी लगता है कि रेडियो ही एक ऐसा मीडियम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें अपने अपने तरीके से काम कर रही हैं, लेकिन मैंने ही कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे एहसास हुआ कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर बात करते हैं। मिसाल के तौर पे एक लड़की बहुत बहुत मायूस, बहुत घबराई हुई, उसको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको फ़ोन किया हमने, और उसको फ़ोन देने के बाद एक एग्जांपल सेट किया कि वो डरती थी, कोई लड़का उसको परेशान करता था, तो वो मुझे देख नहीं पा रही थी। तो मुझे फ़ायदा हुआ ना दिखने का, तो मैंने उसको कॉल किया, मैंने ये कहा कि हम आपके घर की पाइपलाइन काट रहे हैं। तो मुझ पर चिल्लाई, बहुत ज़्यादा गुस्सा किया उसने। तो मैंने उससे कहा कि जब आप, मैंने कुछ भी नहीं बिगाड़ा आपका, आप मुझ पर चिल्ला सकती हैं, तो वो लड़का जो आपको छेड़ता है, परेशान करता है, उससे जाके क्यों नहीं लड़ सकती आप? तो उसको हिम्मत मिली। अगर मुझे कभी कभी लगता है दिख जाना, जैसे मैं पर्सनली उससे जाके कहता तो वो पहचान जाती, लेकिन उस बात का इतना असर नहीं होता। जब मैं नहीं दिख रहा था तो हर बात उनके दिमाग में जा रही थी और कई तरीके से जा रही थी। तो मुझे लगता है रेडियो से बहुत फ़र्क पड़ता है वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने में। कई बार ऐसा होता है कि हम एड्स इस तरह के क्रिएट करते हैं जिसमें सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो, और कई बार इस तरह के सेगमेंट्स होते हैं जिसमें सिर्फ हम औरतों के इस तरीके के हकूक़ की बात करते हैं कि किसी से कम नहीं है। आई थिंक रेडियो खूबसूरती है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी। आपको लगता है सोशल लेवल पे भी हमें माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये सोचता हूँ कि ये कहने की ज़रूरत ही क्या पड़ती है, क्यों पड़ती है ये कहने की ज़रूरत कि बेटी बचाओ, अरे किससे बचाएं और बेटी पढ़ाओ। ये बहुत मुझे लगता है कभी कभी ये बहुत शर्मनाक चीज़ है कि हम अपने आप को ही समझा रहे हैं कि बेटी बचाओ, इसका मतलब बेटी को बचाना भी है, और बेटी पढ़ाओ इसका मतलब बेटी को पढ़ाना भी है। अरे नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट ये होना है कि ये तो बची हुई हैं और ये पढ़ी हुई हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है हमारे दिमाग की, वो गलत है कहीं ना कहीं। और वो अब चाहे सोसाइटी की वजह से आई या इस तरह की एग्जाम्पल सेट होने की वजह से आई। मुझे स्लोगन से भी इत्मीनान नहीं होता कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी है बेटा है, एग्जैक्टली सेम चीज़ें हैं दोनों, कोई फ़र्क नहीं समझता मैं। शुक्रिया नावेद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ आरजे नावेद, देखते रहिए द पॉलिसी टाइम्स।